टिड्डियों के अटैक को लेकर मथुरा आगरा में हाई अलर्ट। अटैक से बचने के लिए रसायन छिड़काव की भी तैयारी। राजस्थान के जयपुर और यूपी के झांसी में फसलों को चट कर चुकी है टिड्डियां। केंद्र ने एनडीआरएफ फंड से राजस्थान को 68.65 करोड़ रुपए दिए। ये धनराशि टिड्डी दलों से निपटने पर खर्च की जाएगी। राजस्थान पिछले काफी वक्त से टिड्डियों से जूझ रहा है। उत्तर भारत में गर्मी और लू का कहर। राजस्थान के चूरू में अधिकतम तापमान 50 डिग्री तक पहुंचा। पिछले कई सालों में मई का अधिकतम तापमान इससे पहले भी 2016 में 50 डिग्री तक पहुंचा था तापमान। दिल्ली एनसीआर में 28 मई से आ सकती है तापमान में गिरावट। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में उत्तरी पश्चिमी हवा सक्रिय, आंधी के साथ आ सकती है बारिश। दिल्ली एनसीआर में गर्मी और लू का कहर जारी। टूटा 18 साल का रिकॉर्ड। 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया दिल्ली का तापमान। जैसलमेर में 50 डिग्री तापमान में भी सरहदों की रखवाली कर रही बीएसएफ की महिला कमांडो के हौसले बुलंद है। सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए वो तपते रेगिस्तान में भी पूरे जज्बे के साथ देश सेवा में जुटी है। प्रवासी मजदूरों की बदहाली पर सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान लिए जाने के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी कोर्ट पहुंचे। इस मामले में दलीलें रखने की अनुमति मांगी। कल उनकी अर्जी भी मुख्य मामले के साथ अटैच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की सीमाएं खोले जाने की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। कोरोना से निपटने के लिए यूपी और हरियाणा सरकार ने दिल्ली से सटी सीमाएं बंद कर रखी हैं। लॉकडाउन को फेल बताने वाले राहुल गांधी के बयान पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का पलटवार। कहा, राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं, देश में निराशा फैला रहे हैं। सहयोगी दलों के साथ उद्धव ठाकरे की अहम बैठक। गठबंधन की तीनों पार्टियां बैठक में शामिल। उद्धव ने राहुल गांधी से फोन पर की बात। राहुल ने हर मदद का भरोसा दिया। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन वायुसेना में हुई शामिल। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने भरी उड़ान। वायुसेना की 18वीं स्क्वाड्रन में शामिल किया गया। चीन से तनातनी के बीच आज से आर्मी की कमांडर कॉन्फ्रेंस शुरू। इस बैठक में रक्षा मंत्री और एनएसए समेत सेना के सीनियर कमांडर शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस को अप्रैल में होना था लेकिन कोरोना की वजह से इसे टाल दिया गया था। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर पीएमओ में हुई अहम बैठक। पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोवल और तीनों सेना प्रमुखों से हालात का लिया जायजा। एलएसी पर चीन के साथ तनाव बरकरार लेकिन हालात सामान्य। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर भारत सख्त। लद्दाख में एलएसी पर तनाव बढ़ा। रुख साफ, इंच भर भी पीछे हटने का सवाल नहीं। लद्दाख विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर भी अहम बैठक। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हुई बैठक में लिया गया फैसला। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चीन के बराबर सैनिक बढ़ाता रहेगा। जारी रहेगा सड़क निर्माण का काम। आईसीएमआर ने कोविड टेस्ट कराने की 4,500 रुपए की अधिकतम सीमा हटाई। इस टेस्ट की अधिकतम कीमतें तय करने का जिम्मा राज्य सरकारों को सौंपा। कई लोगों ने अधिकतम कीमत पर जताई थी आपत्ति। आईसीएमआर के मुताबिक 3 महीने में बढ़ाई गई टेस्टिंग की क्षमता। अब रोजाना हो रहे हैं 1 लाख से ज्यादा टेस्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में वायरस से हुई मौतों में से 50% बुजुर्ग है। नोएडा में कंटेनमेंट जोन की परिभाषा में हुआ बदलाव। सोसाइटी में एक संक्रमित होने पर सिर्फ एक टावर सील होगा। पहले एक व्यक्ति के संक्रमित होने पर सोसाइटी सील होती थी। एक से ज्यादा कोरोना केस पर 500 मीटर के दायरे में पूरा एरिया अभी भी सील किया जाएगा। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,51,000 के पार। अब तक 4,337 लोगों की हुई मौत। इलाज के बाद 64,425 लोग हो चुके हैं ठीक। मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर करीब 42% हुई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,387 नए मामले। 170 लोगों की हुई मौत। देश में वायरस से मौतों की दर 3.30% से घटकर 2.87% हुई। मुंबई के केईएम हॉस्पिटल में दिखी हैरान करने वाली तस्वीर। आइसोलेशन वार्ड में शवों के बीच चल रहा कोरोना मरीजों का इलाज। कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के इंतजामों पर फिर उठे सवाल। मुंबई में घर जाने के लिए प्रवासी मजदूरों का उमड़ा हुजूम। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बाहर हजारों की संख्या में जुटे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। मजदूरों को समझाने में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र में कोरोना पीड़ित करीब 17,000 लोग ठीक हुए। कुल संक्रमण के मामले 54,000 के पार। राज्य में अब तक कोरोना वायरस से 1,792 लोगों की मौत। राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ती जा रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार। लॉकडाउन 4 में ढील के बाद नए मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 14,465 हुई।
लॉकडाउन में मजदूरों के घर लौटने की वजह से फैक्ट्री मालिकों की बड़ी परेशानी। दिल्ली के बादली इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरों की कमी के चलते कई फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, प्रोडक्शन पर पड़ रहा है असर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर मचा सकती है भारी तबाही, WHO ने दी चेतावनी, कहा दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकती है, हो सकता है ज्यादा लोगों की मौत हो।